हक्काची मदर डेअरी आमच्या हक्काची नाही कोणी कुटुंबाची अरे कोण म्हणतो देणार नाही इतका शिवाय राहणार नाही महाविकास आघाडीचा विजय असो नमस्कार चंद्रजी कुर्ला नेहरू नगर क्षेत्र में आज दोपहर क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कुर्ला मदर डेयरी लैंड को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कुर्ला मदर डेयरी लैंड को धारावी पुनर्वसन परियोजना के माध्यम से अडानी समूह को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करना है। इस विरोध प्रदर्शन में महाविकास अघाड़ी के स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे, नगर सेविका कुर्ला नेहरू नगर प्रवीण मुरस्कर सहित स्थानीय सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भाग लिया। गायकवाड़ ने इस अवसर पर कहा कि जब तक कुर्ला मदर डेयरी लैंड में एक बड़ा पार्क नहीं बन जाता तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गायकवाड़ ने आगे कहा कि कुर्ला मदर डेयरी लैंड इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। ये भूमि न केवल ऐतिहासिक है बल्कि यहाँ के लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। हम अदानी समूह को ये भूमि सौंपने के विरोध में पूरी तरह से एकजुट है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। प्रदर्शन में उपस्थित अन्य नेताओं ने भी इस अभियान का समर्थन किया और स्थानीय जनता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। कुर्ला नेहरू नगर की नगर सेविका प्रवीण मुरस्कर ने कहा कि हम इस भूमि को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यह हस्ताक्षर अभियान कुर्ला मदर डेयरी लैंड के संरक्षण के लिए है और इसे स्थानीय जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह देखना बाकी है कि अदानी समूह और सरकार इस आंदोलन के दबाव में क्या कदम उठाती है। नहीं, आज महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी जे आहे ते मदर डेअरी वाचवा आणि जे आहे ज्या तऱ्हेने अडाणींची नजर त्याच्यावर पडल्यापासून जी मूव्हमेंट झाली, ज्याचा मी मागे सुद्धा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन उल्लेख केला की मुंबईमधल्या मोक्याच्या जागा या नाममात्र दराने द्यायच्या आणि एक मोठा घोटाळा त्या ठिकाणी एक सुरू आहे ज्याच्यावरती आम्ही उजागर करण्यासाठी आज ही स्वाक्षरी मोहीम ठेवलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे की मुलुंड जकात नाक्याची जमीन असेल, मुलुंड डंपिंग ग्राउंडची असेल, मिठागरे असतील, देवणार असेल किंवा आता ही मदर डेअरीचा इशू असेल, खरं तर मदर डेअरीच्यामध्ये खरं बघितलं तर 800 जास्त जी आहे ती झाडं आहेत, 100-150 वर्षापूर्वीची झाडं आहेत, एक ग्रीनरी त्या ठिकाणी आणि स्थानिकांची मागणी आहे की त्या ठिकाणी एक पब्लिक गार्डन व्हायला पाहिजे। परंतु दुर्दैवाने असं झालेलं आहे की सुरुवातीला एका भाजपाच्या मोठ्या नेत्याची नजर पडली, त्याने तिथे BKC मिनी करण्याचा निर्णय घेतला, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी प्राधिकरण तयार केलं MMRDAच्या माध्यमातून, नंतरच्या काळामध्ये त्याला केल्याची टोपर दाखवण्यात आली कारण ज्या वेळेला अडाणींची नजर या जमिनीवर पडलेली आहे। सातत्याने आम्ही सांगतोय की धारावीच्या माणसाला धारावीतच घर मिळालं पाहिजे, परंतु धारावीच्या नावाखाली काही जे लोक आहेत, जसं स्पेसिफिकली मी नाव सांगते की DRPPLच्या नावावर खर हे सगळं षडयंत्र चालू आहे। 80% शेअर त्याच्यामध्ये अडाणीचे आणि अडाणींना या जागा मोक्याच्या जागा पूर्णपणे फ्रीमध्ये दिल्या जाते असा माझा आरोप आहे। ज्या तऱ्हेने त्यांना रेडिएटनाच्या 20-25% ह्या जागा विकल्या जात आहेत किंवा दिल्या जात आहेत, हे एका तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते मोठा भ्रष्टाचार आहे आणि या भ्रष्टाचाराचा आवाज आम्ही दाबण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। ही काय कोणाची जागीर नाही आहे, या सरकारी जमीन आहेत, याच्यावर मुंबईकरांचा हक्क आहे, यावर कुर्ल्याकरांचा हक्क आहे आणि कुर्ल्याकरांची जी मागणी आहे की आम्हाला एक गार्डन पाहिजे, आम्हाला एक पब्लिक प्लेस पाहिजे, ते डेव्हलप करण्यासाठी ती त्यांची मागणी आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही त्यांच्याबरोबर राहू आणि आज ही साक्षरी मुव्हमेंट आम्ही यासाठी सुरू केलेले आहे की ज्यांना ज्यांना याच्यामध्ये विश्वास आहे, ज्यांना वाटतं की आम्हाला हे झालं पाहिजे ते झालं पाहिजे असं बोलून चालणार नाही। तुम्ही राज्य सरकारमधले आमदार आहात, या इथे सही करा, आमच्याबरोबर उभं राहा की कुर्ल्याच्या लोकांसाठी आम्ही उभं राहणार आणि कुर्ल्याच्या लोकांना न्याय मिळाल्यासाठी पाहिजे या भूमिकेसाठीच मी समर्थपणे उभं राहणार। ही भूमिका आता मिहिर कोटेजांना पण दाखवावी लागेल, मंगेश कुडाळकरांना पण दाखवावी लागेल आणि किरण सोमय्यांना पण सांगावी लागेल। हे एक मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की हा खूप मोठा भ्रष्टाचार आहे, या भ्रष्टाचारची चौकशी व्हायला पाहिजे। हे लँड माफिया आहेत आणि हे लँड माफिया जे आहेत ना, हे अडाणी आहे, हे मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनी ज्या आहेत मुंबईकरांच्या स्वस्त भावाने घेणार आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे की ते 2 नंबरपर्यंत कसे पोचले, गुजरात असेल किंवा इथे असेल, यांना सगळ्या जमिनी फ्रीमध्ये देण्याचं काम राज्य सरकारने केलेलं आहे आणि हे महाराष्ट्र आणि मुंबईची जनता खपून घेणार नाही, आम्ही याच्याबद्दल लढत राहणार सातत्याने। जर ते कुर्ल्याकरांच्या भूमिकेशी सहमत आहेत, त्यांना वाटते की ही जमीन जी आहे ही अडाणींना गेली नाही पाहिजे, त्यांनी इथं यावं, ही लढाई आम्ही सार्वजनिक रूपात केलेली आहे आणि सार्वजनिक रूपात केलेल्या लढाईमध्ये त्यांनी सामील व्हावं, मी तर आव्हान केलंय, या सामील व्हा। ही लढाई कोणाच्या विरुद्ध आहे, ही लढाई अडाणींच्या विरोधात आहे, जे मुंबईच्या मोक्याच्या जागा घेत आहेत नाममात्र दरात घेत आहेत आणि मुंबईकरांचा हक्क हिरावून घेऊन त्या काळामध्ये ते मोठा भ्रष्टाचार करत आहेत आणि म्हणून ही लढाई मुंबईकरांसाठी आम्ही करत आहोत आणि लढाई थांबली पाहिजे। मला असं म्हणजे हे सगळी चाललेल्या जमिनीचं चाललेलं आहे, आमची लढाई तोपर्यंत थांबणार नाही,
जोपर्यंत ही लढाई म्हणजे आम्ही जोपर्यंत विजय मिळवणार नाही। मला प्रश्न आहे की मुंबई म्हणजे आमचे आमदार बोलतात मंगेश कुडाळकर हे बघितलं त्यांचं कटआउट लागलेलं आहे। माझा त्यांना प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांची ऑर्डर मोठी का महसूल मंत्र्यांची आणि दुग्ध विकास मंत्र्यांची ऑर्डर मोठी? कारण मुख्यमंत्र्यांनी तर एका भाजपच्या नेत्यासाठी प्राधिकरण तयार केलं आणि त्याच्या माध्यमातून मी बीकेसी केलं, मग त्याला केराची टोपली डाऊन तुम्हाला माहिती आहे की महसूल मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि महसूल मंत्र्यांनी त्यानंतर जी आर काढला। प्रश्न असा आहे की ही जमीन जी देण्यामागचा डाव आहे आणि मला चांगला अनुभव आहे, मुख्यमंत्री स्वतःचं डोकं चालवणार की मुख्यमंत्र्यांना देशाचे पंतप्रधान त्या ठिकाणी बोलणार? कारण ते कोणाच्या जवळचे मित्र आहेत हे मी सांगायचा गरज नाही ना, आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे मला प्रश्न असा आहे की हा निर्णय मग त्वरित थांबवत का नाही आहेत? राज्याचे मुख्यमंत्री आमदारांच्या जवळ आहेत ना, त्यांनी पहिलं काम करावं, जावं मुख्यमंत्र्यांना सांगावं, नाहीतर एक पत्र देशाच्या पंतप्रधानांना पाठवावं की जमीन अडाणींना देऊ नका, ही जमीन कुर्लाकरांची आणि त्या कुर्ल्याच्या जमिनीमध्ये या ठिकाणी पब्लिक गार्डन झालं पाहिजे, ही माझी त्यांना जाहीर मागणी आहे। जिस तरह से मुंबई की जो जमीन है, चाहे वो मुलुंड जकात नाका हो, चाहे वो आपको पता है डंपिंग ग्राउंड मुलुंड का, आपको पता है देवनार है, जैसे आपको मालूम है मिठागरों की जमीन है, इन सब जमीनों पर जो है आजकल एक आदमी की नज़र पड़ जाती है और धारावी के नाम पे वो नाम मात्र से जमीन लेता है। मेरा यह कहना ये सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि धारावी लोग के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए। जहाँ हम लोग आज है ये कुर्ला की जो मदर डेयरी है, यहाँ पे आप देखोगे तो 100 से 150 साल के पुराने पेड़ है, 800 से 1000 पेड़ यहाँ पे उपलब्ध है। जो आप चाहते हो, हम चाहते हैं कि मुंबई में एक श्वास लेने के लिए जगह हो जाए, एक अच्छा पब्लिक गार्डन हो जाए, ये कुर्लाकर की मांग है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि ये जमीन के ऊपर किसी की नज़र पड़ गई है और नज़र पड़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एक निर्णय लेते हैं, राज्य के महसूल मंत्री अलग निर्णय लेते हैं और ये जमीन अडानी को देने का काम होता है, वो भी नाम मात्र से। हमारी लड़ाई इसी के जो है वो खिलाफ है। जब तक हमको विजय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी, जब तक यहाँ पे गार्डन नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और मैं इसीलिए सबको आह्वान करी हूँ, जितने भी लोक प्रतिनिधि है, आइए सामने, देश के प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, राज्य के मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप सत्ता पक्ष से है ना, और कहिए कि यह जमीन यहाँ के कुर्लाकर को देने का वादा कीजिए। जब तक ये वादा नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। कल हमने नीट पेपर के लिए भी आंदोलन किया था कि पूरा 2 साल बच्चे इसकी पढ़ाई करते हैं, 1 साल तो माता पिता भी इसके लिए जुड़े रहते हैं, लोग क्लासेस लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर नेशनल एडमिशन होता है। दुर्भाग्यवश उसमें लोगों ने पहले तकरार की तो मिनिस्टर ने कहा कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ लीक नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रेस मार्क दिए हैं। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें इंटरवीन करने का काम किया था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जिस तरह से ये लड़ाई है उसमें एक राज्य के मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए था और केंद्र के मंत्री को तो ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए थी। आप परीक्षा पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परीक्षा में फेलियर और लीक के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर बात क्यों नहीं कर रहे, वो चुपी क्यों साधे हैं? आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब वो एग्ज़ाम होगी कब, उसका रिजल्ट आएगा कब, एडमिशन होगा कब, जो फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं उनका होगा क्या? ये सारे सवाल हम लोग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ बच्चों ने आत्महत्या की है, दुर्भाग्यवश ये बात है। मैं बच्चों से भी कहूँगी कि ऐसे कोई जो है वो ऐसे पाउल नहीं उठाए, लेकिन राज्य के और देश के मुझे यही कहना है कि देश को हमने मांगा है, जब तक मिनिस्टर राजीनामा नहीं देगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ रेलवे के अपघात हो रहे, कोई कार्रवाई नहीं, अस्पताल के हो रहे, कोई कार्रवाई नहीं, देश के प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ की जिम्मेदारी ना मिनिस्टर पे डालते हैं ना खुद लेते हैं, सिर्फ चंद्रयान जब जाता है तो उसके बारे में बात करने आते हैं। तो जब ये चीज़ें भी होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं स्थानिक माजी नगरसेविका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रवीणा मोरजकर, सभी को पता है कि मातृ दुग्धशाला मदर डेयरी जो सालों से यहाँ पे नेहरू नगर और कुर्ला का आत्मा है, श्वास है, तो ये जो अभी सरकार है उसका बहुत बड़ा षडयंत्र है कि यहाँ पे धारावी का पुनर्वसन होए। धारावी के पुनर्वसन के लिए हमें बिल्कुल ही विरोध नहीं है, उनका पुनर्वसन ये होना ही चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वसन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उनका खुद की तकलीफ ना होए। घर में बच्चे हैं, उनका छोटा मोटा रोज़गार है, तो वो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे उनका आना जाना पास हो। तो धारावी में अंदर ही अंदर कहीं छोटे मोटे ग्राउंड्स है,
तो ग्राउंड्स में उनका पुनर्विकास हो सकता है। ये जब हम आदित्य साहब से इस बारे में बात किया, जाके एक मीटिंग हुई आदित्य साहब के साथ, मैं थी और हमारे नेहरू नगर के लोक चळवळ के सदस्य थे, उनको आदित्य साहब ने हमें मार्गदर्शन किया कि धारावी में अंदर ही अंदर कई गार्डन्स है छोटे मोटे, वहाँ पे उनका पुनर्वसन हो सकता है। अगर ये पर्याय शासन के पास है तो शासन को ये 21 एकड़ ज़मीन क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट को ही देनी है और ये वहाँ पे क्यों कॉन्क्रीटीकरण करना है। अभी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी गर्मी बढ़ रही है, मुंबई में इतने सालों में कभी जितनी गर्मी नहीं हुई उतनी गर्मी हम अभी एहसास कर रहे हैं। पानी की पूरी कटौती हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम निसर्ग पे अत्याचार कर रहे हैं, निसर्ग को मार डालने की कोशिश चालू है सरकार की। तो हम ये निवेदन लेके आदित्य साहब के पास गए थे, आदित्य साहब का पूरा पाठिंबा है ये चळवळ को, लोक चळवळ को, और ये जो मदर डेयरी पे जो पुनर्वसन होना हो रहा है उसके लिए। जब तक ये शासन ये जीआर कैंसिल नहीं करता, रद्द नहीं करता, तब तक ये, मैं एक कुर्लावासी हूँ, मैं नेहरू नगर की नागरिक हूँ, मेरा बचपन यहीं पे गया है, तो ये मदर डेयरी जो है वो हमारे कुर्ला की और नेहरू नगर का नाक है, उस पे हम कहीं भी कॉन्क्रीटीकरण होने नहीं देंगे। ये आज छोटी सी चिंगारी है, इसका बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जब तक ये जीआर कैंसिल नहीं होता, जब तक यहाँ पे गार्डन ज्येष्ठ नागरिकों के लिए घूमने के लिए नैसर्गिक रीत्या वहाँ पे सब सुशोभीकरण नहीं होता और कैंसर जीआर कैंसिल नहीं होता, तब तक नेहरू नगर वासी कुर्ला वासी रोड पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के सारे पदाधिकारी शिवसैनिक, कांग्रेस के सारे शिव पदाधिकारी शिवसैनिक, आपके सारे पदाधिकारी शिवसैनिक, यानी महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और हमारी टीम ऐसी ही काम करती रहेगी जब तक जीआर कैंसिल नहीं होता। कांग्रेस की माजी सचिव, जेव्हा मला कळालं की आता आमची ही डेअरी इथून जाणार आणि इथे टोले जंग इमारती होणार आहे, आमच्या अक्षरशः डोळ्यामध्ये पाणी आलं। प्रत्येक वेळी आमची यांची मनमानी काय आम्ही चालून देणार नाही। आज आम्ही इथे लहानाचे मोठे झालेलो आहेत, आमच्या मुलं मदर डेअरी रोडवर तिथे खेळलेले आहेत। आणि जर आता मॅडमने सांगितलेलंच आहे की धारावीकरांचं जर पुनर्वसन करायचं त्यांच्या तिकडे सगळे म्हणजे त्यांचं तिथे पुनर्वसन होऊ शकतं, पण आमच्या कुर्ल्यावर आम्ही कोणाचा डोळा ठेवू देणार नाही। आणि ही हे जे खोके सरकार हे जे अदानीचं अजून किती त्याला द्यायचं बाकी राहिलं आम्हाला माहिती नाही, आणि ही जर जागा जर ते लोक घशात जर घालणार असेल तर आम्ही बिलकुल कुर्लावासी होऊन देणार नाही। ही छोटीशी चळवळ आहे पण याचं ना खूप मोठा आगडोंब उसळणार आहे। जोपर्यंत ही जागा आमच्यासाठी गार्डन म्हणून घोषित केली जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आम्ही कधीच थांबणार नाही। आणि आमची ही सगळी महाविकास आघाडी, आमच्या शिवसेनेचे प्रवीणताई मोरजकर आणि सगळे कार्यकर्ते आम्ही एकत्र होऊन त्याचा लढा देणार आहे। जोपर्यंत आमचं इथे गार्डन होणार नाही तोपर्यंत आम्ही तिथे जे लहानपणापासून म्हणजे आमचं 50 वर्ष इथेच गेले आमचे मुलं आणि आम्ही तिथे आम्ही चांगले तिथे फेर फटका मारू, जोपर्यंत असं गार्डन होणार नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। देखिए ऐसे है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और इस इलाके की खासदार माजी मंत्री प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में आज महाविकास आघाड़ी के तरफ से कुर्ला नेहरू नगर में स्वाक्षरी मुहिम ली गई। ये स्वाक्षरी मुहिम इसके लिए है कि नेहरू नगर की जनता जहाँ पर ये मदर डेयरी है उस मदर डेयरी को 21 एकड़ की ज़मीन अड़ानी को अलॉट कर रहे हैं और धारावी के लोगों को वहाँ बसाने का काम कर रहे हैं। तो वर्षा ताई धारावी के लोगों के लिए हमेशा लड़ती आ रही है, अदानी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं कि धारावी के लोगों को धारावी में बसाओ और नेहरू नगर में जो मदर डेयरी है उस मदर डेयरी के यहाँ पर वो ज़मीन 21 एकड़ ज़मीन अड़ानी को ना दिया जाए। ये ज़मीन वहाँ पर झाड़ पौधे जो ये मुंबई के शहर के इधर इस इलाके के लोगों को नई जिंदगी दे रहे, श्वास दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे, और ऐसे वक्त में वो ज़मीन खाली करके अडानी के मुफ्त में ताबे में देना ये सबसे बड़ी भूल है। और उस भूल के खिलाफ इस लोगों के पक्ष में वहाँ पर कोई अच्छा गार्डन बनाया जाए, यहाँ के कुर्ला के लोगों को लिए वहाँ गार्डन बना के वहाँ पर उसको बसाया जाए, अस्पताल बनाया जाए, ऐसी मांग करते हुए आज वहाँ पर सिग्नेचर कैंपेनिंग किया गया जिसके पक्ष में यहाँ के लोकल जनता ने भारी तादाद में उपस्थिति दिखाकर यह आंदोलन
स्वाक्षर आंदोलन जो है वो यशस्वी किया है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।